हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक. बच्चों, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में फोर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमने कंप्लीट कर ली हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसके बारे में इतना कुछ हमें जानना है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो हम इसका चैप्टर टू में करेंगे, लेकिन जो थर्ड चैप्टर है प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस, तो जितनी अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो चैप्टर टू में कवर अप नहीं होंगी वो थर्ड चैप्टर में कवर अप करेंगे. फिर उसके अलावा एक और चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, उसमें भी हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फाइनेंस किया जाता है वही पढ़ेंगे. तो सबसे ज्यादा डिटेल में हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. बच्चों, ये जो वर्ड है ना कंपनी, इसका आप और हम कितनी बार इस्तेमाल करते हैं. सुबह से लेकर शाम तक हजारों प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी ना किसी कंपनी की होती है. कुछ कंपनीज के नाम तो आप हर वक्त हमारे मुंह पर चढ़े रहते हैं, जैसे Amazon, Flipkart, Zomato, Zepto, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं और ये सारी कंपनीज ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड है. जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिस गाड़ी में बैठकर हम ट्रेवल करते हैं, जो घर में हम इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पंखे, ट्यूबलाइट, ये वाइट बोर्ड है, ये पेन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कपड़े मैंने पहन रखे हैं, कुछ चीजें तो यहाँ मेरे सामने टेबल पर ही पड़ी हुई हैं, जैसे ये देखिए, ये एक लाइट है, ये फिलिप्स कंपनी की है, ये इसके अलावा एक और मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है फायर बोल्ट का, क्योंकि इसी की घड़ी मैंने पहन रखी है इस कंपनी की. ये कुछ च्यूएबल टैबलेट्स हैं हमदर्द की, स्वालीन के नाम से, क्योंकि मुझे खांसी बहुत रहती है, गले में प्रॉब्लम रहती है, तो ये मैं अपने पास रखती हूँ. उसके अलावा ये एक मॉइस्चराइजर है लैक्मी का, लेकिन इसकी कंपनी जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है. उसके अलावा ये एक लंदन की कंपनी है जिसका ये टेलकम पाउडर है. तो बच्चों, इतने सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हम इस्तेमाल करते हैं और जिन कंपनीज के मैंने अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स बताए, इसमें से कुछ तो प्राइवेट कंपनीज हैं, कुछ पब्लिक कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं. तो कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं, पब्लिक सेक्टर में भी होती हैं, कितनी तरह की कंपनीज होती हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, उसके क्या एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं एज कम्पेयर टू दी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब हम लर्न एंड अंडरस्टैंड करने वाले हैं व्हाइल डिस्कसिंग द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बच्चों, जिस तरह से हमने दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशंस, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस करे हैं, उसी तरह से हम कंपनी फॉर्म को भी अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है दैट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्संस हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी एंड मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक and employ it for the common purpose. तो ये जो सारे words मैंने underline करे हैं, इनके meaning आपको समझने होंगे कि एक association, cooperative society में भी हमने देखा कि वो भी association है, voluntary association है, company भी एक voluntary association होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं. cooperative societies में भी हमने देखा कि membership restricted नहीं है, तो cooperative society भी एक large form of business organization है, लेकिन वहाँ resources limited होते हैं. लेकिन company form of organization एक ऐसी large form of business organization है जहाँ resources की कोई कमी नहीं होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मनी या मनीज वर्थ या मनी जैसे वर्थ की कोई और चीज टू अ कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक का मतलब टू अ कॉमन फंड. वो अपने फंड्स को पूल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. वो कैसे फाइनेंस अरेंज होता है वो हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर फंड्स को पूल करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं कंपनी चलाने के लिए, इसीलिए कहा जाता है कॉमन स्टॉक. और इसीलिए इसका नाम होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि इसमें ज्वाइंट मनी होती है बहुत सारे लोगों की. एंड वो उस मनी से क्या करते हैं, दे यूज इट फॉर द कॉमन पर्पस. कॉमन पर्पस क्या, कि कंपनी के बिजनेस को चलाना और उससे प्रॉफिट अर्न करना
और उस प्रॉफिट को सारे ओनर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में बांटना। एक और डेफिनेशन देखते हैं कंपनी फॉर्म की। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सील। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें सारे फीचर्स कवर अप हो गए। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ क्रिएट करता है और जिसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, जिसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है और कॉमन सील होती है। अब इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं इसके फीचर्स एक्सप्लेन करूंगी तो ये सारे वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब होता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है एक ऐसी आइडेंटिटी जो नेचुरल पर्सन की तरह नहीं है, लेकिन उसके पास राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ नेचुरल पर्सन जैसी ही होती हैं। जैसे आप और हम हैं, हम सबकी अपनी आइडेंटिटीज हैं, पर्सनल नेम्स हैं, सो वी ऑल आर नेचुरल पर्सन्स। लेकिन जब हम कभी किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्रुप की एक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे क्लास में आप एक किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट होंगे या आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो वो जो स्कूल का नाम है या जो क्लास का नाम है वो कहलाएगा एक ग्रुप, और उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। तो जहां पर भी नेचुरल पर्संस मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ मेनी पर्संस है, अभी हमने डेफिनेशन में देखा। लेकिन कंपनी का अपना नाम होता है, जैसे हमारा नाम होता है ऐसे ही कंपनी का भी नाम होता है, और वो उस नाम से इट कैन एंटर इनटू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन टेक लोन्स, इट कैन फाइल अ केस, इट कैन ओन अ प्रॉपर्टी, बट इट कैन नॉट ईट, इट कैन नॉट ब्रीथ, इट कैन नॉट रन, इट कैन नॉट टॉक लाइक अ नेचुरल पर्सन। तो जैसे हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, तो ये नेचुरल पर्सन ये सब कुछ कर सकता है और नेचुरल पर्सन का अपना नाम होता है। लेकिन कंपनी जो है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल पर्सन की तरह ही प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, वो अपने नाम पे लोन ले सकती है, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, वो दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट साइन कर सकती है। तो कंपनी का एक अपना नाम होता है, लेकिन वो नाम किसी एक नेचुरल पर्सन का नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ पर्संस का होता है, इसीलिए कंपनी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद दूसरा फीचर है कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है। फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि ये फॉर्म होती है एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। मैंने यहाँ पे 2013 ही लिखा है, ओरिजिनल एक्ट तो बहुत पहले बना था, लेकिन उसमें बहुत अमेंडमेंट्स होती गई, टाइम टू टाइम वो रिवाइज होता गया, और अब जो एक्ट फॉलो किया जाता है वो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2013 ही लिखा है। तो कंपनी की जो फॉर्मेशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, और जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, उसी हिसाब से कंपनी को फॉर्म किया जाता है और चलाया जाता है। उसके बाद स्टेटस डिस्कस कर लेते हैं कि ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट फॉर्म में आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज, और तीन तरह की नॉन कॉर्पोरेट में आती हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सोल ट्रेडरशिप, HUF एंड पार्टनरशिप। तो जो कंपनी है वो भी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड द शेयर होल्डर्स एंड द ओनर्स। तो जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स और ओनर्स कहा जाता है। तो जो ओनर्स कंपनी के होते हैं और जो कंपनी होती है उनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है इन द आईज ऑफ द लॉ, दैट इज वाई कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड द ओनर्स। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। जैसा कि हम दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में देख चुके हैं, सोल ट्रेडरशिप, HUF, पार्टनरशिप, के कंटिन्यूटी जो है वो डिपेंडेंट होती है पार्टनर्स पे, सोल ट्रेडर्स पे या को पार्टनर्स पे, लेकिन कोऑपरेटिव और कंपनी फॉर्म में जो कंटिन्यूटी है वो स्टेबल होती है, और इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हुआ,
कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस क्यों है? क्योंकि मेंबर्स जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, शेयर्स खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के चेंज होने से या आने से जाने से कंपनी के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी लगातार चलती रहती है। मेंबर्स कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, दैट इज व्हाई द कंपनी हैज कंटिन्यूटी, दैट इज इट्स फीचर इज परपेचुअल सक्सेशन, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। अब मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की अगर हम बात करें कि कंपनी को कौन मैनेज और कंट्रोल करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। इतने सारे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं कि सब तो मिलकर बिजनेस नहीं चला सकते हैं, तो कुछ लोग चुनने पड़ेंगे जो कि बिजनेस चलाएंगे। तो जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी होती है, कंपनी में भी एक मैनेजिंग कमेटी होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के उनको इलेक्ट किया जाता है। शेयर होल्डर्स जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं और वो कंपनी को मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। और कंपनी के पास क्योंकि फंड्स की कोई कमी नहीं होती है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड मैनेजर्स को हायर करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो कंपनी का कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। और कंपनी को मैनेज कौन करता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं अगर वो प्राइवेट कंपनी है, और उसमें मैक्सिमम लिमिट भी होती है 200 लोगों की। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। लायबिलिटी जो है वो सारे ही शेयर होल्डर्स और मेंबर्स की जो है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। तो जो शेयर्स शेयर होल्डर्स ने खरीदे होते हैं उसमें से जो पैसा वो कंपनी को दे चुके उस पैसे के लिए वो लायबल नहीं है, लेकिन जो पैसा उन्होंने अभी कंपनी को नहीं दिया है तो उतने अमाउंट तक के लिए ही वो लायबल होते हैं। इस पॉइंट को आपको समझना ऐसे होगा कि जब डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीदे जाते हैं, आप अकाउंटेंसी में भी पढ़ेंगे आगे, तो सारा पैसा शेयर का एक साथ नहीं दिया जाता, कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ दिया जाता है, कुछ पैसा शेयर अलॉटमेंट के बाद दिया जाता है, तो टुकड़े टुकड़ों में पैसा दिया जाता है कंपनी को। तो जब इस तरह से पार्ट पेमेंट्स की जाती हैं तो कुछ पैसा ऐसा होता है जो शेयर होल्डर कंपनी को दे चुका है, और कुछ पैसा होता है जो अनपेड अमाउंट होता है। तो अगर लायबिलिटी तय की जाएगी शेयर होल्डर्स की, तो वो लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगी? ओनली अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। अगर वो पूरा पैसा दे चुके हैं तो उनकी लायबिलिटी निल है, अगर उन्होंने आधा पैसा दिया है तो उनकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है जो पैसा उन्होंने नहीं दिया है। तो लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड नहीं है सोल ट्रेडरशिप पार्टनरशिप की तरह, लायबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड है, और ये भी एक बेनिफिट होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा कॉमन सील के बारे में आपको बता दूं कि कॉमन सील का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, तो जैसे मैं और आप नेचुरल पर्सन है, हम लोग अपने साइन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पर्सन है और सारे लोगों के तो सिग्नेचर जो है किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे करवाए नहीं जाएंगे, तो कंपनी की एक ऑफिशियल सिग्नेचर रबर स्टैंप पे कंपनी का नाम एनग्रेव करा लिया जाता है, द नेम ऑफ द कंपनी एनग्रेव्ड ऑन द रबर स्टैंप, और वही कंपनी की कॉमन सील कहलाती है, और वही कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर कहलाया जाता है। जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे वो कॉमन सील लग जाती है वो डॉक्यूमेंट वैलिड बन जाता है, और ये माना जाता है कि कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट को साइन कर दिए। तो कंपनी के कॉमन सील का मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, दैट इज द नेम एनग्रेव्ड ऑन द रबर स्टैम्प, वो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है, जिसे हम कॉमन सील कहते हैं। तो अब इन्हीं सारे फीचर्स में से हम देख सकते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो इसका कंटिन्यूअस सक्सेशन है, कि हमेशा कंपनी चलती रहती है। कोऑपरेटिव का भी यही बेनिफिट होता है
कि शेयर होल्डर्स के आने या जाने से कंपनी के बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके अलावा लायबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है कोऑपरेटिव और कंपनी में। बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जहां पे पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी। लेकिन कोऑपरेटिव और कंपनी में पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स इस्तेमाल नहीं की जाती टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल होती है, तो लैक ऑफ मैनेजीरियल एफिशिएंसी हमने ड्रॉबैक्स कर रखे हैं अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन यहाँ पर फंड्स की कोई कमी नहीं होती है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है टू रन एंड मैनेज द कंपनीज। तो ये बेनिफिट है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल, हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड होती है। उसके बाद कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा स्कोप होता है एक्सपेंशन का डेफिनेटली, क्योंकि फंड्स की कोई कमी नहीं होती है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है अपने फंड्स को पूल करते हैं टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस, तो यहाँ पर स्कोप जो है सबसे ज्यादा रहता है एक्सपेंशन का। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का, वो भी सिर्फ पब्लिक कंपनीज में अलाउ होता है कि जो पर्टिकुलर ओनर या शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट दैट इज अवेलेबल इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सोल ट्रेडरशिप पार्टनरशिप में ये अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। उसके अलावा कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो क्या है कि सबसे लेंदी प्रोसीजर होता है कंपनी को फॉर्म करने का। अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लंबा प्रोसीजर होता है, कितनी सारे स्टेप्स, कितनी सारी स्टेजेस फुलफिल करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी। और जब इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो लेंदी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, एक्सपेंसिव प्रोसीजर इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा यहाँ पर ओलिगार्किक मैनेजमेंट होती है। अब ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। अभी जब हमने मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का फीचर समझा तो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं उनको कुछ शेयर्स खरीदने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू बिकम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो जो लोग एक्चुअली ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, और वो ज्यादातर डिसीजंस अपने ही इंटरेस्ट में लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कहने को तो ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है क्योंकि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली इन प्रैक्टिकल ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट नहीं होती है, ये ओलिगार्किक मैनेजमेंट होती है। कुछ ही लोग, चंद लोगों के हाथ में ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है, और कभी कभी वो उन पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जो एक कंपनी का ड्रॉबैक माना जाता है। उसके अलावा डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब इतने लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, इतने सारे मेंबर्स होते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो एनुअल जनरल मीटिंग्स कॉल अप की जाती हैं और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिस पे सब एग्री हो जाते हैं, वही डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह से जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही डिले हो जाती है इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर न्यूमरस रेगुलेशंस, जो अभी हमने इसमें भी देखा कि प्रोसीजर भी बहुत लेंदी है, और जो रेगुलेशंस है सिर्फ कंपनी फॉर्म करना ही जो है वो लेंदी नहीं है। जो कंपनीज एक्ट है उसमें इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इतनी सारी प्रोविजंस हैं, तो इतनी सारी रेगुलेशंस को मानना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती है, क्योंकि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है, इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबको जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी वर्किंग के बारे में बताना पड़ता है। बहुत सारे लोगों से कंपनी ने लोन लिए होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके फंड्स कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं, तो उन सबको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, जिससे कंपनी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाती, और उसी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अराइज होते हैं। इतनी बड़ी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे एक्सटर्नल ग्रुप्स पे डिपेंडेंट होती है और सभी का ध्यान रखना पड़ता है,
तो इसीलिए इन सारे ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में क्लैश हो जाते हैं। इफ द कंपनी इज एबल टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स तो वो अपने रिजर्व्स नहीं मेंटेन कर पाती, अगर कंपनी सप्लायर्स को सेटिस्फाई करती है तो कभी कभी प्रॉफिटेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो हर एक स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो द ड्रॉबैक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। इतने सारे लोग जो कंपनी में काम करते हैं वो सारे एज वर्कर्स काम करते हैं, उनको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से, कंपनी के टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी तनख्वाहें फिक्स होती हैं। सोल ट्रेडरशिप में हमने पढ़ा था सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है अगर बिजनेस ग्रो करता है। पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स मिलकर ही बिजनेस चलाते हैं तो वो बहुत एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, शेयर होल्डर्स सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और उनका स्टेटस हो जाता है ओनर्स ऑफ द कंपनी का, बट दे आर नॉट द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो वर्क एनवायरनमेंट होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो काफी इम्पर्सनल होता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता ग्रोथ और इंसेंटिव्स के बीच में। अगर कंपनी ग्रो करती है तो उसके मालिकों को फायदा होता है, लेकिन जो लोग होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं वो उसके एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। तो जो एक वर्क एनवायरनमेंट है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो उतना पर्सनल नहीं होता है जैसे सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप या एचयूएफ में होता है। तो बच्चों ये तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी दो तरह की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज एंड द प्राइवेट कंपनीज, वो हमें इसी चैप्टर में कवर अप करनी है। और उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है या जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसे हम थर्ड चैप्टर में कवर अप करेंगे, और कंपनी की फॉर्मेशन भी हमें चैप्टर टू में ही कवर अप करनी है। तो अगले लेक्चर में थोड़ी और डिटेल्स हम जानेंगे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बारे में कि किस तरह की कंपनीज जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, कौन सी कंपनीज जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम करेंगे फॉर्मेशन इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड कनेक्टेड।